वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय नमः। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पास विष्णु भक्ति प्रज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज जी के चरणों में अपनी हृदय की अंतर हृदय की भावनाओं के साथ उनके चरण में पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ। I know here most of all you are English knowing persons, but also there are some persons those who don't know English. So I want to tell in Hindi first time. And I request Srimad Ramchandra Prabhu to speak in Hindi, translate by person in Hindi, in English. So, मैं गुरु जी के संबंध में कुछ हिंदी में बोलता हूँ और रामचंद्र जी इसका अनुवाद कर देंगे। He will translate afterward. Because also my English is so poor, I cannot express my ideas fully in English, so I am telling Hindi and he will translate. So पहले हम लोगों ने गुरु जी के संबंध में हम लोगों ने कुछ बतलाया। अभी समय कम है, time is short, समय कम है, गुरु जी का अभी अर्चन हो जा रहा है और अभी ठाकुर जी को भी भोग लगेगा, इसलिए देरी ना हो जाए, इसलिए मैं संक्षेप में कुछ कहूँगा। आई विल टेल वेरी शॉर्टली बिकॉज टाइम नॉट सो मच टाइम। अभी गुरु जी के चरण में हम लोग पुष्पांजलि भी देंगे, तो मैंने सवेरे उनके जीवन चरित्र के संबंध में मैंने कुछ कहा, किंतु मैं अभी विशेष रूप में नहीं जा कर उन्होंने अपने गुरु पार्षद में की कैसी सेवा की, मनोभीष्ट को पूर्ण किया, उन्होंने अपने गुरु परंपरा रूपी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की कौन कौन सी सेवाएं की, हाउ ही सर्व हिज दिस डिसिप्लिन आचार्य परंपरा, हाउ ही सर्व हिज गुरुदेव। आई वांट टू say something about that and tell, मैं उसके संबंध में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। ये हमारे गुरु जी के ये परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाशिष भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के बहुत से शिष्यों में एक ये प्रधान थे। इन्होंने शारीरिक मानसिक समस्त रूपों में अपने गुरु जी के मनोभीष्ट को उन्होंने पूर्ण किया। विशेष करके उनके मनोभीष्ट पूर्ण को किया, कैसे किया इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं। जब किसी ने भी हमारे परम पूज्य पाद हमारे परमाराध्य परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और रूपानुग वैष्णव के ऊपर में कोई भी कटाक्ष पात किया तो उनकी जीव को
काट करके अलग कर दिया, उनकी बोलती को बंद कर दिया। If anyone told anything against our Gaudiya Vaishnava Sampradaya or about against Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, against Bhakti, against Krishna, he at once took his sword and cut off their tongue and stopped them to do so. I am telling about this thing. हम लोग के गुरु पारपत जी बहुत ही बागमी थे, बड़े कुशल वक्ता थे, मितंच सारंच बागमिता, थोड़े ही शब्दों में अपने सारे विचारों को प्रकाश कर सकते थे। इन फ्यू वर्ड्स, सेलेक्टेड वर्ड्स, ही यूज्ड टू एक्सप्रेस हिज होल थॉट्स। इसलिए बड़े भारी दार्शनिक थे। He was very great philosopher. प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी had given him all the books he collected about ब्रह्मसूत्र, वेदांत, वेदांत and all the books he gave to और देते हमारे गुरु जी को। उन्होंने सारे वेदांत की पुस्तकों को उन्होंने दिया कि तुम बहुत बड़े भारी वेदांत विद हो, इसलिए तुम्हारे अतिरिक्त और कौन इसको पढ़ सके, अध्ययन करेगा, इसलिए तुमको मैं दे रहा हूँ। उन्होंने सारी पुस्तकों को श्रील प्रभुपाद गेव हिम ऑल द बुक्स रिगार्डिंग फिलोसफी वेदांत, ही गेव इट टू और एंड ही स्टडी। वी डोंट नो व्हेन ही यूज्ड टू स्टडी, हम लोग नहीं कह सकते थे वो कब पढ़ते थे, क्या करते थे। हम लोग तो उनको केवल ऐसे बैठे भी देखा करते, सुनते हैं कि रेलगाड़ी में या कहीं जब जाते थे तो वही पढ़ने नहीं, कैसे पढ़ते थे। ऐसी पुस्तक यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है जो हमारे संप्रदाय में पहुँच गया। यहाँ पर सारी पुस्तकें किंतु उनमें से वेरी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट सब में लिखा हुआ रेट लाल काली से उन्होंने लिख रखा। हमने उज्ज्वल इनमणि देखा, भक्ति स्वामी सिंधु और जितने भी हमारे संप्रदाय के ग्रंथ हैं, और की तो मैं बात क्या कहूँ। कृष्णदास कबीराज गोस्वामी की जो पुस्तकें जो हैं वो सबको उन्होंने देखा है, उसमें लाल मार्क करके रखा है। बड़े अच्छे सुंदर लेखक भी थे, जैसे उनकी कलम चलती थी वैसे उनका मुख भी चलता था। कोई भी व्यक्ति उनके उनको जबकि उसे तर्क वितर्क करने के लिए आता तो अपनी पैनी बोली से, पैनी कलम से ऐसा उसे निरुत्तर कर देते थे जो एकदम चुपचाप रह जाता था। एक समय की बात है, मैं गया था उनके साथ प्रचार में मेदिनीपुर में। हमारे साथ में पूज्यपाद पवन महाराज जी और परम पूज्यपाद तीन बंधु बाबा जी थे। हम लोग तीन आदमी थे और वहाँ के कुछ लोग थे। एक समय कोई आदमी वहां पर आए, रिटायर्ड वो जज थे, आकर के कुछ तर्क विचार हुआ। मैं अधिक दूर विस्तार पूर्वक नहीं कहूंगा, उसका जो सार है वही बतला रहा हूं। उन्होंने आकर के ब्रह्म तत्व पर विचार करने लगे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म आनंदमय है। उन्होंने गुरु जी ने उत्तर दिया, हमारा वैदिक ब्रह्मवाद और आधुनिक शंकर के द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद एक नहीं है, मायावाद एक नहीं है। वेदांत में अथवा हमारे वेदों में, उपनिषदों में जिस ब्रह्म की स्थापना की गई है वो तो ब्रह्म की अंगीकांति है अथवा ज्ञान है, वो भी परफेक्टर रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज है, यथात्म्य ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी ने जो कुछ कहा, व्हाट शंकराचार्य हैज टोल्ड अबाउट अद्वैतवाद आर मायावाद, क्वाइट फॉल्स एवरीथिंग, दैट इज नॉट वैदिक ब्रह्मवाद। ब्रह्मवाद उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंदवाद तुम क्यों कह रहे हो, क्या कह रहे हो, यदि ब्रह्म निर्विशेष है
ब्रह्म का ही रूप कोई नहीं है, ब्रह्म को कोई ज्ञान नहीं है, निर्विशेष और रूप, निर्गुण निरंजन अनादि निशक्ति निर्गुण तुम कह रहा है, तो ब्रह्म परम कैसे आनंदमय हुआ? हम कहते कि वो पाखानामय और दुर्गंधमय है, फिर लाइक स्टूल नॉट आनंदमय, वेरी गुड पॉइंट। He tried hard so much. उसने बहुत चेष्टा की जो ब्रह्म आनंदमय है। गुरु जी ने कहा तुम आनंद किस लिए कह रहे हो? यदि कोई मधु है और मधु में चींटी उसको चखने के लिए गई और उसी में लटपट होकर मर करके उसी में मधु ही बन गई, तो फिर मधु का आस्वादन नहीं कर सकती, और वो चींटी फिर आकर के नहीं कहेगी जय मधु खूब टेस्टफुल और मधुर है। वैसे ही यदि कोई पैखाना बन जाए तो पैखाना बन जाने के बाद में उसे दुर्गंध भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो पैखानामय और तुम्हारा आनंदमय दोनों एक ही है। हजार चेष्टा किया उसको साबित करने के लिए जो ब्रह्म आनंदमय है, किसी प्रकार से वो साबित नहीं कर सका। गुरु जी ने कहा ये सब दुर्गंधमय है और वो आनंदमय नहीं है। उसके जिस विषय को उठाए उसका खंडन करके काटते तुम्हारा जब वो निशक्ति है। और उन्होंने कहा तुम कहते हैं कुछ सर्वम फलिदम ब्रह्म, यह गलत है तुम्हारा कहना। क्यों? उन्होंने कहा कि सर्वम फलिदम ब्रह्म तत्त्वम असि आम ब्रह्मास्मि जो कहते हो, तो एक तरफ तो तुम कहते हो कि सर्वम फलिदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है, फिर जगत को तुम झूठा क्यों कहता है कि जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही वा ना ब्रह्म क्यों कहता है? यदि सभी कुछ ब्रह्म है जो कुछ हम देखते हैं तो ये मिथ्या कैसे हो गया? एक भी उत्तर नहीं दे सका, लौट करके चला गया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बार कैसे संप्रदाय की रक्षा की गुरु जी ने निम्बार्क संप्रदाय के यहाँ। एक व्यक्ति ने लिखा, उसके जो विद्वान है अब तो वो रहे नहीं, उन्होंने लिखा चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीरी के शिष्य थे। एनी पर्सन डिवोटी और शंकर निम्बार्क संप्रदाय, ही रोट इन हिज पेपर मैकिन दैट चैतन्य महाप्रभु वाज द डिसाइपल ऑफ केशव काश्मीर। उन्होंने कहा गुरु महाराज जी इसको सुनकर के बड़े क्रोधित हो गए और साथ ही साथ उन्होंने मुझको कहा कलम उठाओ, और हमको उन्होंने डिक्टेशन आरंभ दिया। उन्होंने कहा कि जगत में निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, ये झूठा कल्पित निम्बार्क है, बल्कि चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों में ये लिखा गया है काश्मीरी चैतन्य महापुरुष से पराजित, उनके द्वारा कृष्ण मंत्र ग्रहण करके वहां से आया और यहाँ पर मथुरा में वो अपना भजन साधन करता सारा तरफ। महाप्रभु जी ने कहा विद्या का कार्य ये नहीं है कि सबसे तर्क करे, विद्या का कार्य है वो भक्ति, भगवान की भक्ति करे, ये जीवन सफल है। इसलिए सब लोगों को भगवान का भजन करना ही यही विद्या का चरम सार है। उन्होंने कहा ये निम्बार्क नाम का कोई संप्रदाय नहीं, और किसी व्यक्ति ने अपने भाष्य में या कहीं भी निम्बार्क शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है, उनका कोई वेदांत का ग्रंथ नहीं है, एक जाली पारिजात भाष्य उन्होंने लिखा वो भी जालियात है, वो भी ठीक नहीं है। साथ साथ में उन लोगों ने 2 लाख या कितने लाख रुपए का मानहानि मथुरा कोर्ट में किया, किंतु गुरु जी ने कहा और जिन लोगों के वकील के पास में वो गए उन्होंने कहा देखो गड़बड़ मत करना, कहीं केचुआ को खोदने जाकर के कहीं वहां से विषधर सर्प ना आ जाए। तुम लोग भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज को नहीं जानता, वो बड़े बड़े तेजस्वी पुरुष है, तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे, उल्टा उनको देना पड़ जाएगा,
इसलिए वो लोग केस नहीं किया और सुलहनामा करने के लिए राजी हुआ। इसी प्रकार से उनकी बोलती बंद की। सावड़ी सहजिया वो लोग प्रभुपाद के विरुद्ध लिखा, जो गौड़ीय मठ वाले रस नहीं जानते हैं कि रस किसको कहते हैं और वो नीरस हैं, वो लोग रासलीला इत्यादि का अध्ययन और अध्यापना इत्यादि नहीं करते हैं। सुनकर के गुरु महाराज जी बड़े बिगड़े और उन्होंने 5 निबंध प्रबंध दिया और इसी में उनके होश उड़ गए। उन्होंने केस किया, अंत में केस में भी उनको हार मानना पड़ा और गुरु जी के चरणों में शरणागत होना। फिर उन्होंने संकल्प किया, आज से इनके विरुद्ध में कभी कुछ नहीं लिखेंगे। इस तरह से जब जब हमारे संप्रदाय के ऊपर में ऐसी कुछ बातें हुई, गुरु जी उसी समय उठ खड़े हुए और हजारों कलम की मुख से उन्होंने सर्वत्र उन्होंने इसका प्रचार किया। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं जिसमें कि हमारे परमाद्वैती महाराज ने बतलाया, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, जब तक जगत में मायावाद रहेगा, अद्वैतवाद रहेगा, निर्विशेष ब्रह्मवाद रहेगा, तब तक भक्ति का प्रचार शुद्ध रूप में नहीं हो सकेगा, भक्ति के लिए विघ्न बाधा रहेगा। हमारे गुरु जी भी ऐसा करते थे और उन्होंने सर्वदा इसका खंडन किया मायावाद के विचारों का। उन्होंने जीव गोस्वामी के युक्तियों को अवतारणा कर मायावाद का हजारों रूपों में उन्होंने खंडन किया। उनके लेखनी से जहां कोई प्रबंध निकलेगा उसमें मायावाद का जरूर उल्लेख रहेगा और उसका खंडन करते थे श्री प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की धारा में। उन्होंने अपने संप्रदाय के लिए मायावाद में उन्होंने कहा, मायावाद एक धोखा है। आज तक बहुत से मायावादी आचार्यों को वैष्णव ने पराजित किया और उनको वैष्णव धर्म में दीक्षित किया, किंतु वैष्णव धर्म में दीक्षित कोई भी व्यक्ति आज तक किसी दूसरे धर्म में दीक्षित नहीं हुआ। रावण पक्का मायावादी था क्योंकि उस शक्ति को हरण करना चाहता था। कंस महा अद्वैतवादी था, वो शक्ति को कुछ न करके कृष्ण को मारना चाहता था। ये सब मायावादी हैं। हिरण्यकश्यपु मायावादी था, बहुत बड़े भारी विद्वान थे वो लोग वेदों के। रावण वेदों का बड़ा भारी आचार्य था, 10 मुखों से वेदों को वो उच्चारण करता था, किंतु सीता जी को चुरा लाया, उनके शक्ति का अपहरण किया, वो निर्विशेषवादी था। गुरु जी के ऐसे सुंदर सब विचार और उसको रामचंद्र जी ने उसको ध्वंस किया था। इस तरह से हम देखते हैं कंस को भी कृष्ण ने ध्वंस किया। इस प्रकार से हम देखते हैं प्राचीन जितने लोग हारे हैं, स्मार्ट ब्राह्मण लोग केवल शंकराचार्य से हैं, कोई भी वैष्णव से विवाद उन्होंने नहीं किया। नवद्वीप में गए और वहां से लौट आए, नवद्वीप में कुछ प्रचार नहीं कर सके, किसी भी वैष्णव के साथ में उनका विवाद नहीं हुआ है। असल में शंकर जी शंकर थे, साक्षात शंकर भगवान के आदेश है, मायावाद का तात्कालीन प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। उन्होंने वैष्णव के लिए एक भित्ति बनाई, इसीलिए उन्होंने लिखा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए ऊपर से यद्यपि मायावाद का प्रचार किया किंतु भीतर से वो पक्के वैष्णव थे, वैष्णवानां यथा शंभो। इस तरह से हम देखते हैं कि शंकर संप्रदाय के जितने लोग हैं वो लोगों में से बड़े बड़े पंडित लोग या तो मारे गए विष्णु के हाथों से या वैष्णव धर्म में पुनः दीक्षित कर लिए गए, किंतु आज तक वैष्णव में से कोई भी व्यक्ति मायावाद के द्वारा हारा नहीं और उनको हराया ही और उनको अपने मंत्र में दीक्षित किया। कोई भी आज तक वैष्णव मायावाद में संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुआ। इस प्रकार से उन्होंने सत्ययुग से लेकर के कलयुग तक के समस्त इतिहास उन्होंने दार्शनिक इतिहास और इस तरह से इतिहास सब कुल अवतारणा कर इस चीज को सत्य रूप में करने की चेष्टा की। उन्होंने केवल यही नहीं, दर्शन ही नहीं, रस साहित्य में हम देखते हैं उन्होंने अपने गुरु जी के लिए एक आरती लिखी है जिसको मायापुर के आचार्य जी ने इसका
देख करके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए, भाषा पर मुग्ध हो गए। और उन्होंने अंतिम लाइन जिसमें गुरु जी का नाम है उसको छोड़ करके और उसमें चालू कर दिया आरती, जिसको हम लोग आरती करते हैं। बहुत ही सुंदर भक्ति विनोद धारा, ये क्या है, जलशंख धारा, ये भक्ति विनोद जी की धारा है। पांच प्रदीप, ये क्या है, पंचरस की सेवा। इतनी सुंदर व्याख्या, उसमें दर्शन और रस दोनों मिले हुए, ऐसा विचित्र मिलन बहुत कम देखा जाता है। उन्होंने राधा कृष्ण जुगल की आरती लिखी, इतना सुंदर जो आज तक किसी भी आरती में नहीं देखा गया, मंगल आरती का। उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखित कृष्ण भावनामृत और गोविंद लीलामृत का सारा रहस्य ही उसमें बड़े रहस्यिक ढंग से उसमें उन्होंने परिवेषण किया है। जो कोई भी व्यक्ति, रसिक व्यक्ति, भाव भक्ति देखेगा तो उसमें बिना मुग्ध हुए रह नहीं सकता। उसके एक एक शब्दों में न जाने कौन कौन से भाव सब छिपे हुए हैं। उन्होंने राधा विनोद बिहारी अष्टक एक लिखा संस्कृत में, संस्कृत के भी विद्वान उन्होंने लिखा, उसके कितने गुड़ रहस्य हैं, जिसका पहला श्लोक ये है, क्या है, राधा चिंता निवेशेन जस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रह। मैं वंदना करता हूं किन की, क्या कहा, राधा लिंग बंद करते था लिंग, अच्छा बंद कर, राधा चिंता निवेशेन जस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रहम। फर्स्ट इसका ये श्लोक है, उसके बाद में दूसरा बतला रहे हैं। मैं राधा लिंगित विग्रह को मैं प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक भी तक निहित भाव है, कृष्ण चिंता क्या, राधा चिंता निवेशेन। सब लोग ये जानते हैं कि कृष्ण हमारे आराध्य हैं, कृष्ण के विरह में गोपियां रोती और तड़पती हुई उनको खोजती हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की धारा का यह विचार नहीं, कृष्णचंद्र स्वयं राधा जी के लिए ढूंढे और उनके लिए रोज, ओ राधिके तुम कहां हो। इसलिए कृष्ण राधा की चिंता में निमग्न होकर के अपने श्यामल कांति को छोड़कर के गौर कांति के द्वारा आच्छादित हो गए। ऐसे जो आच्छादित जो कृष्ण है, राधा आलिंगित जो विग्रह है, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। दूसरा उसका यह है क्या, क्या भेदाभेद प्रकाशकम, मुझे याद नहीं। तो उसमें उन्होंने अपने जितने विचार हैं अपने संप्रदाय के, हमारा विचार अचिंत भेदाभेद है, कृष्ण के साथ भगवान के साथ में हमारा भेद भी है अभेद है। किस रूप में भेद और किस रूप में अभेद, इसको चैतन्य महाप्रभु जी ने सबसे पहले हमारे सनातन इत्यादि गोस्वामियों को दिया, जिसको पीछे से श्रील जीव गोस्वामी ने और श्रील बलदेव विद्याभूषण ने इसको प्रकाशित किया। इसके पहले शंकराचार्य जी ने बतलाया जब जीव ही कृष्ण है, यह जगत मिथ्या है। रामानुज ने बताया विशिष्टाद्वैतवाद, एक ही वस्तु है जगत और जीव उसका विशेषण मात्र है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं। और आचार्यों ने बताया, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जीव गोस्वामी ने इसको इस रूप में प्रकाशित किया, एकम एव परतत्वम स्वाभाविक अचिंत सत्या जीव प्रधान चतुर्धा अवशिष्ट थे। और उसका उपमा दे करके बताया, एक ही परतत्व है, अचिंत शक्ति के प्रभाव से वो परतत्व सूर्य और उसके अवतार समूह जीव और प्रधान माया के रूप में वो प्रकाशित है। फिर भी उनमें भेद भी है अभेद,
किंतु मन की बुद्धि के द्वारा उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये हमारे गुरु परंपरा के ग्रंथों के अनुसार में इसको समझा जा सकता है, जिसको अमनय वाणी कहते हैं उसके द्वारा हम इसकी चीज को समझ सकते हैं, मन की बुद्धि के द्वारा उसको नहीं समझा कि अचिंत भेदावेद किसको कहते हैं। इसके पहले किसी भी आचार्य ने इसको नहीं कहा अचिंत भेदावेद, किंतु पीछे से सब आचार्यों ने इसको माना, मध्वाचार्य ने भी इसको माना है अचिंत भेदावेद, और लोग मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का यह विचारधारा हमारे गुरु जी ने श्रील प्रभुपाद के बाद में जगत में उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने ये कहा क्या, सभ्य सेवक संभोगे द्वैर भेद कुतो भवे विप्रम हेतु सर्वस्य भेद सदा विवर्धते, और चिल्लीला मिथुन तत्व भेदाभेदम चिंतकम शक्ति शक्ति मतोरक्यम जुगपत वर्तते सदा इत्यादि। बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा, अपने यहाँ पर सफेद कृष्ण क्यों, राधा जी सफेद कृष्ण सफेद, गुरु जी ने इसी के उत्तर में ये सब लिखा। जो रसिक भाव नहीं है नहीं समझ सकते, उन्होंने कहा ये राधा जी की चिंता करते 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 कृष्ण तन्मय होकर हो गए, और उसी समय कृष्ण का यह रूप श्याम रूप आच्छादित हो गया राधा कांति के द्वारा। ये इमली तला की घटना है, राक्षसस्थली के बाद में कृष्ण राक्षसस्थली से अंतर ध्यान हो जाने के बाद में कृष्ण इमली तला में थे श्रृंगार बट के बाद में, और कृष्ण ही खोज रहे हैं राधा जी को जो कहाँ गई, और चिंता करते 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 गौरवर्ण के हो। ये सब पुराणों में है, कोई कह रहे थे जैसे इसका उल्लेख कहाँ है, इमली तला का प्रसंग जहाँ पर वर्णन है शायद पद्म पुराण में, वहाँ पर इसका ये है, और बृहद भगवतामृत में सनातन गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। साथ साथ में श्री कृष्ण दास को विराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत में इसका वर्णन किया, जैसे श्याम गौर हो गए। विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की स्वप्न विलासामृत अष्टक में ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसलिए ये गुरु महाराज जी का यह तत्व और ये जो उन्होंने वर्णन किया है पूर्ण रूप से ठीक है। मैं इनके संबंध में बहुत कुछ और भी कहना चाहता था, किंतु मैं समय अभाव के कारण और अपने स्वास्थ्य के कारण मैं नहीं बोल सका। पीछे से धीरे धीरे इसको हम बोलेंगे, हमारे रामचंद्र जी अंग्रेजी में थोड़ा सा इसका एक हिंट दे देंगे, जैसे ये लोग समझे उठ करके खड़े होकर। Maharaj is quite benevolent over English speaking people. He started his lecture with a statement that he will speak thoroughly in Hindi, but I found in between he kept on giving his translation also to the English speaking people. He shows that how merciful he is for them also. Anyway, when he came into flow of his lecture, and he is quite natural when he speaks in Hindi and gives his lecture. So when he became natural in his lecture and he started speaking with great emotions about his Guru Maharaj, then he became totally Hindi speaking. At that time he was telling, I am not starting his lecture because in his starting lecture he gave me translation into English and the time is also less, so I will speak only a few things which are most important. Maharaji was saying that he is explaining here that how his Guru Maharaj was
he dedicated his life to serve his guru and parampara. And he saved his parampara from many, many problems. The most of the thing is that other Mayavadi people, when they used to come, and his Guru Maharaj used to give befitting reply to them. This was his main characteristic. He said that of course it is true, like Srila Prabhupada, as Prabhupada said, that so far Mayavad stage, it is difficult for bhakti to develop. In order to that, to serve his Guru Maharaj, he always tried to eradicate Mayavad. Maharaj was saying, once upon a time, there was a retired judge. A retired judge came to his Guru Maharaj. Maharaj was saying that he was also there with him. And he was trying, that judge was trying to establish that Brahm is Anandamay. At that time, his Guru Maharaj said, it's false what you say, that Brahm is Anandamay. He gave an example that if an ant goes near to honey, and in order to taste it, but instead of tasting it, it gets into it, drains into it and dies into it, and then it mixes with honey and becomes honey. It cannot tell about taste of honey. It cannot come out and say taste of honey. Similarly, you expand your Mayavad like this, that you go to Brahm, you become Brahm, and then you come back to say what is Brahm and it is Anandamay. Your Brahm is like a stone, you go into a stone, you get absorbed into a stone, die into it, you cannot taste it, you cannot explain it, and now you say it is Anandamay. This was the befitting reply Guru Maharaj gave to that retired judge. Then Maharaj was explaining, once upon a time there was a person from Nimbarkacharya Parampara. He claimed that Srila Prabhupada, Srila Mahaprabhu was disciple of Kashmiri Pandit, Keshav Kashmiri. And at that time, Maharaj was saying that his Guru Maharaj called him and said, write down, I dictate, you write down. And what he wrote, there was no any person in the name of Nimbarka. It is a false thing. Nimbarka, there is no any parampara called Nimbarka. Nimbaditi is a Nimbarka. Nimbarka. You said Nimbarka is, there is no any person Nimbarka chale. So you write down. And Mahaprabhu was, he defeated Keshav Kashmiri. And then Keshav Kashmiri, after being defeated from Chaitanya Mahaprabhu, taking initiation, went to Vrindavan and started doing his bhajan. This was the fact. Then those people of Nimbarkacharya, that person, he made a claim on Guru Maharaji, Param Guru Maharaji, for rupees 2 lakhs, that he, against defamation. When he went to his vakil, lawyer says, you want to fight against Keshavji Maharaj, you will be again defeated. He is himself a very good vakil. You should not fight against him. And finally, when no lawyer came up to profess against him, then they withdrew their case and had a compromise. Similarly, Maharaj was saying that some sahajiya, they wrote against Srila Prabhupada's authenticity. They said that disciple in the line of Srila Prabhupada, they are not into Ras Tattva. Why? They don't talk about, they don't discuss about Ras Leela and all. They are always absorbed into Siddhanta, that's all. Then he gave dictation of 5
essays, and those essays showed that how, what is the real philosophy of Srila Prabhupada. And when those essays were written, these sahajiyas were defeated, badly defeated, and they surrendered to Param Guru Maharaj Ji. Maharaj was saying that Param Guru Maharaj used to say that Mayavad is a very big bluff. What is Mayavad? It is a bluff. It is found, no one has turned a Mayavadi. No Vaishnava has converted into Mayavadi. Though it has been seen, many Mayavadi has converted into Vaishnava. But no Mayavadi, no Vaishnava is converted into Mayavadi. What is the proof? Maharaj was explaining, that is Gurudev said, Hiranyakashyap, Kans, Ravan, they were the biggest Mayavadis. Why? So some Mayavadis were killed by Lord and they got mercy of Lord that way, and some Mayavadi converted. So those who were killed, Maharaj was explaining, were Ravan. They were Brahmavadi. Very far difference is Brahmavadi and Mayavadi. You were explaining that those who were these Raman and all, they wanted to enjoy a prakriti of Lord. This was their belief, that there is no Lord, Lord has no form, and they should enjoy all the nature of Lord. And these were Shukdev Goswami and Sanak Sanandan, four Kumars and all, they were Brahmavadis. And finally they came, they became Vaishnava. And many other Prakashanand demons were killed. This, and hence, Maharaj was saying that his Gurudev established step by step and with great many proof that how Mayavadis were converted into Vaishnava by the strength of Vaishnava, and he thus established the strength of Vaishnava. Maharaj was explaining the most important thing in the later part of his speech, that some of the poems and bhajans written by his Guru Maharaj, they are splendid. He was explaining that his Guruji has written one aarti. In that aarti, he has explained a very, very interesting mingling of Ras Tattva and Siddhant, where he is explaining how to do worshipping, and he is comparing Panch Pradeep with five Rasa and all. Maharaj was explaining, if we go through those aartis, we will find it is each and every world of this aarti is full of Ras as well as Siddhant. Then Maharaj was saying that Radha Krishna Yugal Mangal Aarti was written by his Guru Maharaj. And this is such a nice aarti that it has been taken for doing aarti in the morning also. It contains the gist of Krishna Bhavana Amrit and Govind Leela Amrit, Maharaj was explaining. Then he was explaining that some of the verses which in Sanskrit, his Guru Maharaj has written one poem or bhajan, and he was explaining Radha Chinta. I still don't know that verse. Maharaj was explaining that I bow down to Krishna who is enveloped by Radha Rani. And if we say Mahaprabhu, he is the same form. Therefore the color is changed. Being enveloped by Radha Rani, so color is changed. Then Maharaj was explaining that this poetry in Sanskrit he wrote because in his mutt and mandir, Guru Maharaj established Krishna in white complexion. The reason for this was given in this poem. He says that
In Imlitala Leela, Krishna was thinking about Radha Rani, deeply absorbed and into it. When he was absorbed into Radha Rani, what happened that the complexions enveloped him and he became white. So when we see here Krishna white means Krishna in deep absorbing thought of Radha Rani. Maharaj was saying, mostly it is seen outside that people are worshipping Krishna. But in our Gaudiya Parampara, it is not something like this, that gopis are waiting for Krishna, gopis are restless for Krishna. He says, no, our Gaudiya Parampara says that Krishna is in otherwise anxious for gopis and Radha Rani. So that thought has been developed and propagated by his Guru Maharaj. I think I have been already restricted to speak 5 minutes and I have crossed that limit. One thing I want to tell you. हमारे गुरुजी का सबसे प्रधान चीज है, इसको मैं यहाँ बताना संक्षेप में बताता हूँ, कि गुरुजी संप्रदाय की रक्षा बहुत अच्छी तरह से की। कुछ दिन पहले एक सत्यानंद गोस्वामी जी को मैंने श्रृंगार पर नवदीप करने वाले बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले ये कहा और हम लोगों से मध्वाचार्य का कोई संबंध नहीं। बलदेव विद्याभूषण जी मध्व संप्रदाय के ही व्यक्ति थे, वो हम लोगों के संप्रदाय से प्रभावित होकर के उन्होंने दोनों को मिला करके और मध्व को यहाँ पर बीच में खड़ा कर दिया। असल में मध्वाचार्य से और उस संप्रदाय से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। यदि गुरुजी उस समय नहीं होते तो उस समय चारों तरफ में यहाँ वृंदावन के जितने भी गोस्वामी लोग हैं, कुछ को छोड़कर यहाँ तक कि राधा कुंड के सहजिया लोग, नवदीप के सहजिया लोग और सभी लोग इस पक्ष में थे। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है और वही इसके आचार्य हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहीं 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 कहा है, जो लोग ऐसा कहते हैं वो कली के क्षर हैं, वो भंड हैं, उनके विचार ठीक नहीं है। जिसको हमारे कवि कर्णपुर जी ने, जिस विचार को हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने सत्य क्रिया सार दीपिका में कहा है, गुरु परंपरा दिया है, उसी को हमारे कवि कर्णपुर ने दिया है, उसी को बलदेव विद्याभूषण ने दिया है, विशेष करके जी गोस्वामी ने अपने संदर्भ में इस चीज को स्थापना की, वृद्ध वैष्णव इत्यादि के द्वारा नाम लेकर के परंपरा के द्वारा मध्व और उनकी परंपरा के जो व्यास राय व्यास तीर्थ सबका नाम देकर के कहा कि हम उनके अनुगत हैं, उनके विचारों को हम ग्रहण करते हैं। महाप्रभु जब दक्षिण में गए कहीं भी कृष्ण की उपासना नहीं देखी, केवल उडुपी में कृष्ण की उन्होंने प्रतिष्ठा देखी और देखकर के भाव में विहोर होकर के नृत्य करते करते जमीन पर लोट लूट करने लगे। और उन्होंने मथन जो करने वाले जो कृष्ण मथन दंड के साथ में उनको देखा जाए यही कृष्ण के स्वरूप को ग्रहण करते हैं, इसलिए उस संप्रदाय के अंतर्गत उन्होंने हुए। ये बाई चांस नहीं, मध्वाचार्य जी मध्वेंद्रपुरी पाल ईश्वरपुरी पाल और इसके बाद में अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु जी और सब जितने भी हैं, जितने भी पूरी लोग हैं, ये सब उसी के अंतर्गत हैं, उसी संप्रदाय के अंतर्गत। अद्वैताचार्य भी ईश्वरपुरी पाद जी के मध्वाचार्य मध्वेंद्रपुरी पाद के शिष्य हैं। इसी तरह से वो जो गदाधर पंडित जी के गुरु जी पुंडरीक विद्यानिधि उसी संप्रदाय के अंतर्गत है, इसलिए बाई चांस ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भारतीय संप्रदाय के मायावादी सन्यासी नहीं है, मध्वाचार्य ने भी तो सन्यास लिया अद्वैतवादियों से, किंतु उसके गुरु को भी अपने गुरु को भी अपने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित करके और उनको भी अपना शिष्य बना लिया। महाप्रभु जी ने ऐसा ही किया था। इस तरह से हम विचार करके देखते हैं तो ये मध्व संप्रदाय के हम लोग शाखाएं, इसमें कोई हानि नहीं है। कृष्ण राम और महाप्रभु संप्रदाय की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य केवल मात्र नहीं है, भक्त नहीं है, इसकी तो प्रतिष्ठा उनकी शक्ति है या उनके आचार्य लोग करते हैं। महाप्रभु केवल आचार्य नहीं, वो संप्रदाय के और सहस्त्र अधिष्ठात्री देवता है, उनके आराध्य हैं,
इसलिए चैतन्य महापुरुष से संप्रदाय आती है, ये कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। इस चीज को हमारे गुरु जी ने तरह तरह से एक अचिंत भेदाभेद एक ग्रंथ लिखा, हम उसको प्रकाशित करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही उसमें सुंदर ये सब पॉइंट दिए गए हैं कि हम लोग मध्य संप्रदाय की शाखा के रूप में किस रूप में है उसमें दिया है। इस प्रकार से हमारे संप्रदाय की तरह तरह से उन्होंने रक्षा की है। हम उनके चरणों में आज सत्तर बार दंडवत प्रणति करते हैं, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हम लोगों के अंदर में यही तेजस्विता दें, ऐसी शक्ति दें जो उनके विचारों को हम लोग इस जगत में प्रचार कर सकें और भक्ति का हम लोग प्रकाश करें। यह काम करके अपना वक्तव्य में explaining that there was a person, I forgot his name, Mark Maharaj mentioned his name. He was trying to establish that he wanted to one way or other glorify our Mahaprabhu Parampara. Probably he said that this Gaudiya Parampara does not belong to Madhva Charya Parampara. It's originated by Chaitanya Mahaprabhu. But Maharaj was saying that this was wrong. Our parampara is from Madhvacharya parampara, has been established by Shri Jeev Goswami, Shri Karnapur and others, even Bharti Vinod Thakur and Gopal Bhatt Goswami. They have accepted this all Guru Parampara which is coming from Madhvacharya. And Shri Bhakti Vinod Thakur ji has said that who don't accept it, they are associates of Kali. Kali ke char hain. Those who don't. Spies. Char means those who live with him. They are spies of Kali. Maharaj said that Guruji has written a book named Achintya Bhedabhed and probably it will be published in magazine very soon, in which he has established all this, that what is our real parampara. Chaitanya Mahaprabhu established a new parampara is not a very important point. Chaitanya Mahaprabhu was in a certain dhara and the rat tattva he has given is the most important thing. So he was explaining that we should understand that we should not be misguided. And Maharaj in end, the most important thing said, we pray to Param Guru Maharaji today that as he was doing, he should give us also strength so that we should also powerfully be able to repel and smash all such bogus siddhant and should be able to propagate real and true bhakti. Gaur Premande. कृष्ण प्रेम प्रगाढ़ कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुत्वेन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त पंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वृंदावी तुलसी दीप्ति प्रियावी केशवश विष्णुभक्ति प्रदेवी सत्यवती सर्वात्मी भाग। आज जो महापुरुष का तिरुभाव तिथि उन्होंने हमारा सिखा मित्रला प्रश्न के स्वाद अब तो आप उनका बारे में आप लोग श्रवण किया। ये लोग अगर नहीं आते तो एक महापुरु का जो अपूर्णनीय शिक्षा, महापुरु का जो महावदन्यता, ये जगत में किसी को मालूम नहीं पड़ता।
लोग जब प्रचार किया था, एक तरफ से नहीं चारों ओर से विरोध किया था। ऐसे कि गौड़ीय मठ को कोई मुकाम भी कार्य नहीं देना, इसमें भी विरोध किया था। गौड़ीय मठ का एक नवद्वीप धाम परिक्रमा, इसको भी बदल दिया। गौड़ीय मठ जो कहते हैं भगवान का विग्रह दिखाकर पैसा नहीं लेना, इसलिए गौड़ीय मठ का विरोध सब करने लगा। लेकिन तमाम विरोध को ये लोग क्या सब आक्रमण को खत्म कर दिया। एक नहीं विभिन्न भाषा में पत्रिका में प्रचार द्वारा विभिन्न रूप से ये प्रचार करके एक गौड़ीय मठ को स्थापन किया। महाप्रभु को शुद्ध और विचारधारा को जगत में स्थापन किया। स्थापन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें भी पे किया कि कहां कहां कितना बड़ा विद्वान ये सब को जवान बंद कर दिया। आजकल जो हम लोग प्रचार करता हूं इसमें तो इतना बाधा नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन पहले था और पॉइंट पॉइंट में लोग विरोध किया था। लेकिन ये विरोध को ये लोग लिया था, हमारा परम गुरु जी ने ये लिया था, ये अनुकूल रूप से तत्तेन कुंभा विचार से सबको समझा, ये जो विरोध करता है ये हमारा लाखों रुपये का काम कर देती है। ये जब पेपर में आ रहा था तभी बोला ये लाखों रुपया देने से पेपर में हमारा बात को नहीं लेता था, लेकिन ये लोग दो ढील मारा इसलिए तो इतना पेपर में फैला उतर के गौड़ीय मठ को बात प्रचार किया। एक तरफ नहीं हर तरफ से, लेकिन ये सब जो आया था जिनके बारे में आप लोग इतना देर तक सुना, ये सब महाप्रभु का प्रणीत ज्ञान है। ये हमारा परम गुरु जी नित्यल्लाप विष्णु विष्णु वासुदेव सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने ये प्रचार करने के लिए रुचि नहीं रखा था, एकांत में भजन करने के लिए रुचि रखा था। लेकिन ये महाप्रभु का स्वप्नादेश से पंचतत्व और उनका गुरुवत्व का आज्ञा से ही प्रचार शुरू किया। उस वक्त उन्होंने सोल रखा था कि मेरा कोई साधन नहीं, मेरे पास कोई आदमी नहीं, मैं कैसे प्रचार करूं? आदमी हम लोग भेजेंगे। उन्होंने कहा गया नहीं, सब आ गया। इसलिए उनका पास जो लोग आया ये सब महाप्रभु श्री चैतन्य देव का प्रेरित जान, इसलिए इसी मानविक शक्ति लेकर के आया। जहां जहां किया हर एक बातों में विरोध किया था, लेकिन कहां पर वो नहीं किया। पहले सुना ये सहजिया लोग भी मायावती का साथ शामिल होकर के विरोध किया था। सहजिया मायावती जितना कुछ है वो जो अपसंप्रदाय ऐसे कि ब्राह्मण समाज भी विरोध किया था, लेकिन वो किसी ने विरोध करके गौड़ीय मठ का कुछ हानि नहीं कर पाया, बल्कि गौड़ीय मठ का प्रचार का सौंदर्य बढ़ा दिया। इसलिए ना भगवान का, तमाम प्राणी भगवान का शक्ति है, शक्ति का अंश है, इसीलिए ये शक्ति असत्यम से जीव ये कभी उनका महिमा का विरोध नहीं कर सकता। जब भी बाहर में विरोध का माफी का मालूम पड़ता है, लेकिन उसमें उनका महिमा अच्छा तरह से प्रकाशित होता है। जैसे हिरण्यकशिपु बाहर में विरोध किया, लेकिन उसमें भगवान को महिमा ही प्रकट किया। इसलिए उनका भगवान का महिमा प्रकाश छोड़ करके दूसरे कुछ करने के लिए कोई योग्यता ही नहीं हो नहीं सकता। शक्ति शक्तिमान का महिमा ही प्रकाश करेगा, एक अन्वय रूप से एक व्यतिरेक रूप से। जो अन्वय रूप से उनका महिमा प्रचार करेंगे वो भगवान का जो सूप भगवान का संग सूप जो पांच रास है इस रस का आस्वादन करके आनंदी बन जाएंगे। और जो नहीं करेगा वो उसको आनंद मिलेगा नहीं, लेकिन उसको भी
मिल जाएगा, सतयुज जल्दी मिल जाएगा, वह भी ये नहीं होगा, लेकिन वह सत नहीं कर पाएगा। इसी में भी जावे गौड़ी मठ का साहब सब विरोध किया था साहब, एक एक तरफ से विरोध करके इनका महिमा ही प्रकाश कर दिया, सबको झुकने पड़ा। स्वतंत्र वैष्णव भी विरोध किया था, ये गौड़ी मठ में जो संन्यास देते हैं ये तो संन्यास नहीं है। कोई में सन्यासी नहीं ऐसा किया, उनको भी लेख करके ऐसा कर दिया, उनको भी कोर्ट में जाकर के अंडर चेकिंग देने पड़ा, माफी मांगने पड़ा। इसमें भी एक गौड़ी मठ हिसाब दिया था। इसलिए एक भगवान के लिए भक्ति का 64 किस्म का अंग है, इसमें एक है कृष्णार्थे कीलच, भगवान के लिए उकील चेष्टा, ये भगवान के लिए जो उकील चेष्टा, भक्ति का जो सामान्य लक्षण ऋषिकेन और ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ये तमाम इंद्रिय से इंद्रिय का अधिपति भगवान को सेवा का जो आदर्श, एक गौड़ीय मठ ही स्थापन किया। इसका पहले ये तमाम इंद्रिय से भगवान का सेवा का आदर्श स्थापित तो नहीं था, देखने नहीं मिलता, सब इंद्र को लग गया भगवान को सेवा। नरोत्तम ठाकुर उनका प्रचार में भी बोला, उन्होंने भी कीर्तन में बताया, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने लोग साधु संगे हरि कथा, विचार देखा ऐसा ऐसा, लेकिन ये गौड़ीय मठ आचरण करके इस तमाम को जवान बंद करके ये महाप्रभु का असमर्थ विचार जगत में स्थापन किया। यही विचार स्थापन करने के लिए यही सब महापुरुष एक एक दीपा उठा। ऐसे की जब एक चांद का जी जो महाप्रभु का भक्त बना था, उनका जो समाधि उनको लिए भी विरोध किया था, लेकिन उनको भी ऐसा हाल हुआ आइंदा में कैद में जाने पड़ेगा, लेकिन हमारा परम गुरु जी ने मौत से ही उनका तरफ से मामला करके उनको छुड़ा दिया। इसका क्या साबुत किया है लोग, जगत का किसी का प्रति गौड़ीय मठ का विद्वेष नहीं है, ये तमाम प्राणियों को सुधार के उनका मंगल के लिए विधान किया, अर्थात साधु का जो लक्षण, साधु का जो लगे दयालु, ये दयागुण एक साधु के अंदर में एक ये लोग स्थापन किया, विरोध करके भी विरोधी को भी दया कर दिया। इसमें भी ये लोग इसमें से इन्होंने अग्रणी की, वही जो हुआ था इस तमाम देखभाल इन्होंने किया। इसमें ये नहीं, देखने में तो ऐसा था बाहर के विचार में दुर्बल है, लेकिन एकदम शेर कमा की ताकत, जहां विरोध है वहीं सबसे आगे। इसलिए ना हमारा शिल्प वस्तु इनको लिए जो कुछ करना इसके लिए तैयार, शुद्ध विचारधारा का कोई विरोध करे, जीव का प्रति विरोध नहीं है, उनका जो विचारधारा इनको शोधन करने के लिए एक कोशिश एक वैशिष्ट है। जगत का आदमी को क्या करता है, विरोध करता है विरोध के लिए, ये लोग उसके लिए नहीं विरोध, विरोध किया है उनका मंगल के लिए। ये देखना इसलिए एक गौड़ीय मठ जो लोग उनका विरोध किया, इसमें ये भी वैशिष्ट होना है उनको सुधारने के लिए, उनका विरोध के लिए विरोध नहीं, सुधारने के लिए, उस कल्याण के लिए। इसलिए ना ए जब तक जीव भगवान का तरफ नहीं जाएगा तब तक ए चतुर्दश ब्रह्मांड में भटकते ही रहेगा, इसका कभी मंगल नहीं होगा। कविराज गोस्वामी ऐसा हमारा शास्त्र में भी बताया, क्या ना चारी वर्णश्रमी ज्योति कृष्ण नहीं बजी,
सकर्म परिरोषी रौरवे परिमणि। इसीलिए ये जो सधर्माचारी ये लोग उनको भी कोई कृष्णाश्रम स्थापन करने के लिए ये लोग अप्राण चेष्टा किया। चोर चोरी करता है, चोरी किया, मठ का चीज पकड़ा गया, देखा दुखी है, साथ में उसको काठार चोरी किया था, साथ में चावल भी दे दिया, एक गरीब है कैसे ये करेगा, इधर इतना दाता है लेकिन हरि भक्ति का जुरा से इधर से उधार करे उसमें लिए विरोध और ही सहन करे। गीता में जो बताया जानिशा सर्वभूतानां तस्संग जागृति संगले जिससंग जागृति भूतानां सानिशा वश्यते मुने। ये जो है ये भूरी का लक्षण ये भूरियमट भी देखा जाता है। ये जगत का विषय में जगत जो कुछ बिगड़ता है ये इसलिए ये लोग उदासी है, लेकिन परमार्थ का किंचित भी जुरा से भी कोई इधर से उधर हो जाए इनके लिए लोग बहुत जागृत है। वहां वो लोग जगत कैसे भी जाना रहा ये वैशिष्ट है गौड़ीय मठ का। और यही वहां कुछ लोग स्थापन कर दिया। विदुर्दीन आया है इसका अंदर में से वो आ जाता है, कोली विभिन्न रूप से आक्रमण कर रहा है। अगर इससे बचना है तो यही महापुरुष लोग को क्या करने पड़ेगा, ये लोग उनको पुकारने पड़ेगा और उनमें उनका जो रास्ता बता के दिया जो मार्ग दिखाया उसी को अनुसरण करने पड़ेगा निर्भुलित होकर, नहीं तो इससे बचना मुश्किल है। और वो लोग जो हम लोग उनके लिए मेहनत करके दिया अगर उनका स्थान पर रहते हुए वो लोग उनका अनुगत्य का अभिमान करती है जब इससे अलग हो जाए इससे दुर्भाग्य का बात और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ये लोग उनको स्मरण करेंगे ये लोग उनका कृपा प्रार्थना करेंगे साथ ही साथ ये लोग उनका जो उपदेश जो लेख इसको पालन करने के लिए भी कोशिश करेंगे। आप लोग इतना देर तो किया, मैं लेट में आया इसलिए मैं खेल प्रकट करता हूँ क्योंकि आने में देर हो गया विशेष कारण से, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। पंचाशिंद पतितानां पावनः।